मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि 75वें वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवाओं को आईटी सर्विस के साथ एकीकृत करके न्याय तक पहुंच को मजबूत करने की नई पहल शुरू की है। उन्होंने कहा है कि इसका बड़ा प्रभाव होगा और इससे कागज की बचत के साथ धरती को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। जब 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ संविधान के अनुच्छेद 39 बी की व्याख्या पर विचार के लिए बैठी थी, इसमें कोर्ट के समक्ष विचार का मुद्दा है कि क्या निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39 बी के तहत समुदाय का भौतिक संसाधन माना जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि अब वकीलों को केस दाखिल होने के बारे में ऑटोमेटेड मैसेज मिलेगा। इसके अलावा वकीलों को वाद सूची भी मोबाइल पर उपलब्ध होगी। वाद सूची का मतलब है कि कोर्ट में सुनवाई के लिए उस दिन लगे मुकदमों की क्रमवार जानकारी हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के विचारों को साझा करते हुए कहा है कि सरकार डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रही है ताकि लोगों की न्याय तक पहुँच सुलभ हो। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने ई कोर्ट परियोजना के लिए 7,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 8767687676 है। इस नंबर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक तरफा सूचनाएं मिलेंगी। इस नंबर पर कोई कॉल नहीं की जा सकती, ना ही कोई संदेश भेजा जा सकेगा। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह सुविधा हमारे रोजाना के कामकाज और आदतों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी और इससे कागज बचाने में काफी मदद मिलेगी।